400% फीस वृद्धि जो हुई है उसको वापस किया जाए, और दूसरा जो मुद्दा था हमारा छात्रसंघ बहाली को लेकर के, इन दोनों मुद्दों पे हम लोगों ने तार्किकता से अपनी बातों को रखा, छात्रों के सारे आयाम को रखा, और विश्वविद्यालय प्रशासन से कुलपति महोदया का डेलीगेशन आया था, इसमें भी कुलपति महोदया नदारद थी। विजयदशमी का समय है, माँ दुर्गा देख रही हैं इसको कि माँ दुर्गा के जो सपूत हैं पिछले 29 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके कानों पर न जून रेंग रहा है न इनका जो है वह दिल पसीज रहा है। तार्किकता से हमने बात रखी और उनको हमने चेताया भी कि यदि हमारी जो मांगे हैं इन पर फैसला नहीं लिया जाएगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी अपना प्रदर्शन करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम सभी अपनी संख्या दिखाएंगे। एवज में विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जो हमारी बैठकें हुई हैं हम जाकर के अपनी कुलपति महोदया को अभी रिपोर्ट करेंगे, कुलपति महोदया जो निर्णय लेंगी उसके बाद हम सभी किसी फैसले पर पहुँचेंगे या पुनः मीटिंग। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिरकार यह मीटिंग हम कितना मीटिंग खेला जाए। जिला प्रशासन से वार्ता हो गई, विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता हो गई, आज आमरण अनशन का उपवास का 29वां दिन है, कल विजय दशमी का दिन है, और माँ दुर्गा के जो बच्चे हैं वहाँ पर जाकर के अपनी आंतों को निचोड़ रहे हैं और हॉस्पिटल से यहाँ पर आ रहे हैं। आखिरकार इस तरीके का दौर कब तक चलता रहेगा, आखिरकार इस तरीके का खेल कब तक चलता रहेगा। सख्त लहजे में हम चेताना चाहेंगे यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इनका ईंट से ईंट बजाने का काम यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और प्रत्येक छात्राएं करेंगे। आंदोलन जारी रहेगा जी, आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग बड़ी काल देने जा रहे हैं, हो सकता है इस आंदोलन का हम लोग स्वरूप बदलेंगे। हम लोग अन्य विश्वविद्यालय के भी छात्र नेताओं को बुलाएंगे, छात्र संघ पदाधिकारियों को बुलाएंगे और उनके भी विश्वविद्यालयों में जाएंगे, एक इसका हम लोग संपूर्ण एक दायरा बढ़ाएंगे। हो सकता है इस जो हमारा पटल है इसको नेशनल पटल पर ले जाएं, इस आंदोलन के नेशनल पटल पर ले जाएं और दिल्ली में भी इनका घेराव करने का हम लोग काम किया जाएगा। देखिए, यह जिला प्रशासन इसकी मध्यस्थता कर रही थी, उसके ही मध्यस्थता में छात्रों का एक डेलीगेशन और विश्वविद्यालय प्रशासन का डेलीगेशन वहां पर वार्ता करने के लिए हम लोगों में आया था, लेकिन अभी तक बैठक जो है वह निरर्थक रही है।